आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता एवं मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों का 100% पालन कराए जाने हेतु विशेष अभियान के तहत हेलमेट जागरूकता रैली का हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने किया शुभारंभ। माननीय उच्च न्यायालय उत्तर मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में दिनांक 11/1/2023 से हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता एवं मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों का 100% पालन कराए जाने हेतु प्रावधानों का 100% पालन अनिवार्य बताया गया है। इसी क्रम में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा दिनांक 11/1/2023 को दोपहर 1 बजे अभियान के तहत माल गोदाम चौक से हेलमेट जागरूकता रैली का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि वाहन चलाते समय सही तरीके से यातायात नियमों का पालन किया जाए तो 50% दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। हम यातायात नियमों की जानकारी रखते हुए अनदेखी करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वाहन को तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी वाहन तेज चलाते हैं। वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या हत्या व अन्य कारणों से मारने वालों की संख्या की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। हेलमेट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजरी से 82% मृत्यु हो जाती है। इसके लिए हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने संस्कारधानी वासियों से अपील है कि दोपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। आज मोबाइल गोदाम चौक पे समस्त एडिशनल एसपी साहिबान, डीएसपी साहिबान और हमारे पत्रकार बंधु, हमारा ट्रैफिक का स्टाफ, आज उन्होंने एक जागरूकता रैली निकाली है जिसमें कि हम ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं जबलपुर वासियों को कि बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन न चलाएं। हेलमेट अति आवश्यक है। हमारे जबलपुर में कुछ एक इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें जिन्होंने हेलमेट पहना तो व्यक्ति की जान बच गई और जिन्होंने नहीं पहना वो उन्होंने अपनी जान गंवाई। बड़ा क्लियर है, एक्सीडेंट में हेड इंजरी से 82% फेटेलिटीज़ हो रही हैं जो टू व्हीलर वाली हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से संस्कारदान निवासियों से निवेदन करूंगा कि हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।